नमस्ते स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अभी हम आठवीं कक्षा के चौथे चैप्टर जिसका नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा इस चैप्टर पे तीसरा वीडियो है और इसके पहले मैं दो वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। स्टूडेंट्स, जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आदिवासी समाज के बारे में डिटेल्स बताया कि आदिवासी समाज होते कौन हैं और उपनिवेशवाद क्या है। स्टूडेंट्स, दूसरे जो वीडियो है उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि झारखंड का आदिवासी समुदाय जो है वो किस प्रकार से जीवन यापन करता है और झारखंड का जो आदिवासी समुदाय जो है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हुए और उनका झारखंड क्षेत्र में क्या योगदान रहा। तो ये सब बातें स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं पुनः एक बार आपको बता दूँ कि हम लोगों को ये चैप्टर नंबर 4 जो है पेज नंबर 44 से लेकर 56 तक पढ़ना है और कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स कि आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसी बात नहीं स्टूडेंट्स जो आपको समझ में नहीं आएगी, बावजूद उसके आप इस वीडियो को भी देखिए और टेक्स्ट बुक से भी जुड़े रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है सामने आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये भारत का एक ऐसा मानचित्र है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में राज्यवार किस स्थान पे कौन सा आदिवासी समुदाय रहता है उसका जिक्र है। इसकी चर्चा मैं स्टूडेंट्स दूसरे वीडियो में कर चुका हूँ। तब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ना है हम लोगों को, हम लोगों को पढ़ना है जनजातीय समूह किस तरह से जीते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ बात हो रही आजीविका की, किस चीज़ की आजीविका, है ना, कि मनुष्य जो जनजातीय समुदाय के जो मनुष्य थे वो कैसे जीते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, है ना, उनकी इकोनॉमी क्या थी, है ना। तो एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि आदिवासी समुदाय बहुत सहज सरल समुदाय होता है और ये लोग जो है जंगल से जुड़े हुए होते हैं और ये लोग अपने आप को जंगल की संतान मानते हैं, मतलब जंगल के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, है ना। तो सारे विश्व में देखा जाए स्टूडेंट्स तो जनजातीय समुदाय जो है उसका जुड़ाव जितना जंगल से होता है, जितनी प्रकृति से होती है, उतना दूसरे समुदाय का नहीं होता। तो स्वाभाविक बात है कि जंगल का जो से जो उपजने वाला जो वन उपज है वही ना होगा इनकी आजीविका, तो मूल आजीविका तो वही थी। उसके अलावे ये लोग और क्या करते थे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ आप एक चित्र को देख सकते हैं, आप ये चित्र देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए जंगल है, फॉरेस्ट है, पेड़ हैं, है ना, पेड़ के नीचे जो महिलाएं कुछ खेती अपना कर रही है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें, ये भील स्त्रियाँ हैं जो कि जंगल में खेती कर रही है। और ये किस प्रकार की खेती कर रही है, ये एक प्रकार की झूम खेती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं झूम खेती। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, कुछ झूम खेती करते थे, कौन झूम खेती करते थे, ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी, है ना। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो झूम खेती करने वाले जो आदिवासी हैं वो पूर्वोत्तर के राज्यों में है। पूर्वोत्तर का राज्य मतलब स्टूडेंट्स, पूर्वोत्तर का राज्य का मतलब होता है भारत का बिल्कुल उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे 7 राज्य हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर वन भी काफ़ी हैं वहाँ पे, खास करके मेघालय में तो बहुत ज़्यादा है और मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में भी वहाँ काफ़ी जंगल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स झारखंड में भी काफ़ी जंगल है और छत्तीसगढ़ में तो है ही, आपको पता है। तो उन क्षेत्रों में झूम खेती, झूम खेती में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए ये लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, झूम खेती में ये लोग करते क्या है कि पेड़ की जो ऊपरी फुनगियाँ हैं ना उसको ये लोग काट देते हैं, है ना। काट देने के बाद जब वो सूख जाता है तो उसको भूमि पे जला देते हैं और जला देने से जो पोटाश एक तरह का राख जो है ना वो पोटाश का काम करता है, वो केमिकली वो पोटाश है ना, तो वो इस एक तरह का वो जैविक खाद है ना, तो उसको वो लोग जो है भूमि पर छिड़क देते थे और इस प्रकार से
वहाँ पे कुछ बीज वगैरह रोप देते थे और इस प्रकार से खेती हो जाती थी। और उसके बाद में जिस जो उपजता था, वास्तव में ये लोग व्यापारिक उद्देश्य से तो खेती करते नहीं थे, ये लोगों को तो था कि भाई हम किसी तरह से अपनी अपना पेट पाल लें, है ना, अपने लिए ले वो लोग खेती करते थे। तो इस प्रकार से उनका उनका उनकी आजीविका चलती थी, तो ज़्यादातर क्षेत्रों में यही कुछ होता था। तो ये झूम खेती, स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो झूम खेती होती है ना, उसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे खेती करना, है ना, इसको स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, ठीक है। और जो किसान मतलब एक स्थान पे टिक करके मतलब अपना अपनी खेती करते हैं ना, वो तो सेटल्ड मतलब फार्मर होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेटल्ड फार्मर, मतलब एक स्थान पे निवास करके, है ना। लेकिन जो झूम खेती करते हैं वो एक स्थान पे निवास नहीं करते थे। तो ये अंग्रेजों के आने के पहले तो ये परंपरा काफ़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम हो गई है। उसके बाद देखिए आगे क्या है स्टूडेंट्स, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। शिकारी मतलब स्टूडेंट्स हंटर, है ना। हंटर मतलब क्या? मतलब जो जानवरों का शिकार करे। और दूसरा शब्द है आपके सामने संग्राहक। संग्राहक क्या होता है स्टूडेंट? संग्राहक का मतलब गैदरर। गैदरर मतलब क्या हुआ? जैसे जंगल में गए, वहाँ जाने के बाद जो कंद मूल फल या जो कुछ भी मिला उसको वहाँ से कलेक्ट किए और उसके बाद अपने रहने के स्थान पे जहाँ निवास करते वहाँ लेके आ गए और उसको आपस में बांट लिया। तो ये चीज़, ये मतलब कुछ खास तरह के जो आदिवासी थे वो शिकारी और संग्राहक थे। स्टूडेंट्स मैं बता दूँ कि कुछ जो प्रिमिटिव ट्राइब के मतलब जो आदिवासी हैं वो आज भी शिकारी और संग्राहक हैं। जैसे कि बिरहोर जनजाति के लोग यदि देखा जाए तो आज भी वो लोग संग्राहक का कार्य कर रहे हैं और उनको वही पसंद है, है ना। अभी अभी हमने बताया था बिरहोर जनजाति के बारे में। तो चलिए इसमें क्या कुछ है, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। बंदर, हिरण, चूहा, चमगादड़, गिलहरी तथा खरगोश के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। तो ये सब जो है इसको खाया जाता था इनके द्वारा। इनके परिवार जंगल में कंद मूल फल एवं रस्सी के लिए वृक्षों की छालों के लिए घूमते रहते थे। जाल, लाठी तथा कुल्हाड़ी शिकारी के प्रमुख उपकरण थे। किसी एक स्थान पर इनका टिकना मधु तथा छालों की उपलब्धि पर, मधु समझते हैं स्टूडेंट्स जिसको हम लोग हनी बोलते हैं, और छाल क्या होता है? पेड़ों की छाल, है ना। तो उससे वो लोग रस्सी वगैरह बनाते थे और उसको बेचते भी थे। वे 3-4 वर्षों से अधिक एक स्थान पर नहीं रुकते थे। तो ऐसे लोगों को हम लोग हंटर एंड गैदरर बोलते हैं। स्टूडेंट्स सच पूछिए तो इस चीज़ का अध्ययन हम लोग 6ठी कक्षा में हम लोग कर भी चुके हैं। हंटर और गैदरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, है ना। तो चलिए और आगे देखते हैं और क्या चीज़ है इसमें। देखिए यहाँ पे अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया बिरहोर समुदाय के बारे में बताया था, अब एक और समुदाय स्टूडेंट्स जिसको जो कि उड़ीसा में निवास करता है, जिसको हम लोग खोड़ समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? खोड़ समुदाय। तो खोड़ समुदाय के जो लोग होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये लोग भी प्रिमिटिव ट्राइब में आते हैं, है ना, आदिम जनजाति में आते हैं। और ये लोग जो है ना पत्तों का मकान बनाते हैं, और ये पत्तों का जो मकान होता है ना स्टूडेंट्स, वो सावन भादो के महीने में भीषण जो बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, उसमें भी वर्षा की एक भी बूंद जो है ना इनके घरों में प्रवेश नहीं करता है। तो है ना आश्चर्य की बात। तो हम लोग यदि ये सोचते हैं कि ये इन आदिवासियों को कुछ नहीं आता, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। इनको बहुत कुछ आता है। प्रकृति के साथ रहते रहते स्टूडेंट्स ये प्रकृति के सारे नियमों को ये लोग जानते हैं, और जीवन कैसे जीना है ये भी जानते हैं। ये लोग सच पूछिए तो अपना इलाज अपने कर लेते हैं। छोटा मोटा यदि कोई बीमारी है ना, तो उसके लिए इन लोगों को पता है कि किस जड़ी बूटी से कौन सा इलाज होगा, है ना। जो हम शहरी लोग जो शहरों में रहते हैं वो छोटी मोटी बीमारियों से डर जाते हैं और सीधे हम लोग दौड़े भागे चले जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन इन लोगों का जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा जड़ी बूटियों से हो जाती है और ये खुद ब खुद अपना इलाज कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे और देखिए हैं। मुद्रा की सुविधाएं ना होने के कारण वस्तु विनिमय का प्रचलन था, अर्थात अदला बदली।
तो स्टूडेंट्स एक बात और मैं बता दूं कि अदला बदली क्या होती है, ये होता है बार्टर सिस्टम। क्या होता है? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था स्टूडेंट, कि जैसे एक के पास यदि मान लीजिए कोई फसल है या कोई फल है, कोई अनाज है, कोई जड़ी बूटी है या कुछ भी है, तो वो दूसरे को देगा और दूसरे उसके बदले में कुछ सामान देगा। तो इसको बोला जाता था, बोला जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी है स्टूडेंट्स, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आदिवासी समुदाय में, विभिन्न समुदाय में भी है, लेकिन आदिवासी समुदाय जो है वो इसका उपयोग ज़्यादा करता है, ठीक है, आज भी करता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा की सुविधाएं ना होने के कारण वस्तु विनिमय का प्रचलन था, अर्थात अदला बदली। वे कीमती वन उत्पादों के बदले जगत की चीजें ले लेते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था।